इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी धनपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री श्री विनित कुमार प्रतिमा अमित कुमार अमिता धीरज कुमार कामिनी अभिनव मनीषी तनिष्का वर्धिनी सिद्धार्थ चैतन्य नितान्त जैन शाह बजाज पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार लावण्या भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवज्जायाण नमो लोये सवसाहूण जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की परम पुष्य रमण मुनि श्री श्रद्धानंद मुनिराज की सभी उपस्थित धर्म प्रेमी आत्मा एवं महानुभाव ग्रस्त जीवन जीते हुए धर्मात्मा जीव जिनेन्द्र भगवान के भक्ति पूजा पाठ के माध्यम से धर्म करता है और धर्म के साथ साथ वे कर्म भी करता है लेकिन कर्म करते हुए एक सवाल खड़ा होता है कि हमने जो एक क्रिया की है शादी ब्याह बच्चे उनके लालन पालन में व्यापार करना उनका पेट भरने के लिए धन दौलत सब चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सामग्री को एकत्रित करने के लिए झूठ सच, छल कपट मायाचारी क्रोध अहंकार मान माया लोभ ये सब चीज़ें करना पड़ता है संसार में रहना है गृहस्थी में रहना है तो सब काम करने पड़ते हैं लड़ना भी पड़ता है किसी को जवाब ना दें तो पागल कह दिया करते हैं लोग जवाब भी देना पड़ता है अगर गलत बात पर ना लड़ें ना उसको जवाब दें चुप होकर के बैठ जाए तो व्यक्ति उसके सीधेपन का फ़ायदा उठा लेता हैं अगर गलत को गलत ना कहें सही को सही ना कहें लोग उसे पागल कहने लगते हैं अगर समय के हिसाब से ना चलें समय के अनुसार अपनी क्रिया ना करें वेशभूषा का बदलना भोजन पानी का बदलना उठने बैठने की क्रियाएं, अगर ये वक्त अनुसार ना बदलें तो फिर लोग उन्हें पिछड़ावा कह देते दे। हैं लोग व्यवहार में एक युक्ति आती है कि जैसा देश वैसा वेश समय देख करके अपनी क्रिया करनी चाहिए आचार्य भगवंतों ने भी दिया है द्रव्य चेत काल भाव इन चारों के अनुसार अपनी क्रिया करनी चाहिए लेकिन सवाल ये खड़ा रहता है कि जो हमने झूठ सच बोला है जो हमने पाप किए हैं चारों कषायों के माध्यम से जो तीर और मंद हमारे परिणाम हुए हैं उनका जो गृहस्थ जीवन में हमें पाप लगा है क्योंकि गृहस्थी में सब काम करने होंगे शादी भी करनी है बच्चे भी पालने हैं बच्चे भी करने होंगे अगर संतान ना हो तो लोग जीने नहीं देते दे। स्त्री को तो अगर संतान ही ना हो तो उसे बांझ कह कर के मार देते इतने ताने सुनने पड़ते हैं वो कैसे जिए संतान हो गई है तो उन दोनों को संतान और पति पत्नी ये परिवार बन गया है बीवी बच्चों के साथ एक परिवार गृहस्थी बन गई है उस गृहस्थी को चलाने के लिए व्यापार भी करना है व्यापार में ग्राहकी करने के लिए झूठ सच बोलना पड़ता है लेन देन की क्रियाओं में सब क्रिया व्यवहार निभाने पड़ते हैं इन सब को करते हुए पाप लगता है पाप भी लगेगा उस पाप से बचने का उपाय क्या है प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि हम जो पाप कर रहे हैं उस पाप को हम कोई क्रिया करके बचा लेंगे गुरु की सेवा करके या फिर गुरु के माध्यम से हम अपने पाप छह कर लेंगे लेकिन मात्र गुरु ही नहीं है बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हमारे पापों का क्षय हो सकता है देवदर्शन स्तुति है जिसको आप दर्शन स्तुति के नाम से पढ़ दें उस दर्शन स्तुति में द्वितीय नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है और उसमें लिखा है दर्शनेन नाम साधु नाम वंदनेन्चा नातिष्ठती चिरम पापम छिद्र हस्तीगम आचार्य भगवंत लिख रहे हैं जिस प्रकार छिद्र सहित हाथों में जल बहुत समय नहीं टिकता है उसी प्रकार देव के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से लंबे समय तक पाप नहीं ठहरते पहले के लोग जब जल पान किया करते थे पानी पिया करते थे तो वो गिलास से नहीं पीते थे हाथ से पीते थे ओक कहते थे ओक से पानी पीते थे और इसमें पानी पीते थे तो कुछ पानी नीचे गिरता था उसके बाद गिलसियाँ चल गई फिर गिलास चल गई फिर लोटा चल गया फिर लोटा के बाद अब तो नई नई चीज़ें आ गई बोतल आ गई है और बोतल भी अलग अलग तरीके की आ गई सफ़ेद बोतल नीली बोतल हरी बोतल लेकिन उस समय पानी पीने के समय पे जब पानी पीते थे ओक से हाथों से कह लो तो पानी ज़्यादा पिया जाता था और अच्छे से पिया जाता था अब तो पानी लिया मुँह में रखा गट उस पानी पीने की क्रिया से आप लोगों को दिक्कत होती है लीवर पे स्वेलिंग आ जाती है और जो आपके नरे हैं जिसको लम्स कहते हैं वो लम्स ख़राब हो जाते हैं किडनी पे असर पड़ जाते हैं इसलिए आयुर्वेद में दिया है पानी ऐसे नहीं पीना चाहिए सही मायने में पानी पीना सीखना है तो जानवरों से सीखो कुत्ता जीप से चाट करके पानी पीता है और चिड़िया हैं पक्षी कबूतर तोता मैना ये जितने पक्षी हैं आप देखना चोस से पानी पीते हैं पानी कैसे पीएंगे पानी को पीने के बाद मुंह में रखना क्योंकि उस मुंह में पानी रखने से उसी पानी वो पानी गाढ़ा हो जाता है और वो पानी जब गाढ़ा हो जाता है उसी से सलाइवा बनता है और वही सलाइवा हमारे खून की प्रक्रिया को बहुत जल्दी से बनाने का काम करता है इसलिए जो गुटका तंबाकू खाते हैं और थूकते हैं उनको देखना आप उनके गले में दिक्कत रहती है उनके खून की भी कमी रहती है और उनके फेफड़े भी आपको सूखे मिलेंगे क्योंकि वो सलाइवा बनने की प्रक्रिया उन्होंने तोड़ दी पानी पुराने समय में पानी जो पिया करते थे वो हाथ से पीते थे और हाथ से पीने में लाभ था खर्चा भी कोई नहीं था और उस पानी पीते समय हाथ से जब पानी गिरता था उस पानी के दृष्टांत को दे रहे हैं कि जिस प्रकार छिद्र सहित हाथों में बहुत जल बहुत समय तक नहीं टिक पाता, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से पाप लंबे समय तक नहीं टिक पाते। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें देखें समझें जिनेन्द्र भगवान के दर्शन आप सभी लोग जानते हैं सुबह प्रातः काल उठ कर के नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र पहन कर के सामग्री हाथों में लेकर के जो सामग्री आपने सजाई है उस सामग्री को लेकर के मंदिर जाना और पैर धोकर के हाथ धो कर के कुल्ला करके अगर मुँह भी झूठा है तो उसको धोकर के मंदिर में ओम जय 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 निशे निशे बोल के मंदिर में प्रवेश करना और घंटा बजा करके भगवान का जब आपने दिव्य घोष कर दिया है ऐसा वो घंटनाथ करने के बाद जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिए आप मंदिर में विधि के सामने जब खड़े हो जाते हैं तब आपके दर्शन होते हैं। ये सब आपने पाठशाला में पढ़ा है शिविर में या फिर पाठशाला पढ़ते समय आप लोगों ने सब पढ़ा मात्र इतना ही पापों को क्षय करने की क्रिया नहीं है ये तो मंदिर जाने की क्रिया है उसके बाद क्या करना है मंदिर जाने के बाद क्या करें भगवान के सामने खड़े हो गए यहाँ तक तो क्रिया बता दी है अब क्या करें क्योंकि ये सारी क्रिया आपको सिखा सकते हैं बता सकते हैं लेकिन उसके बाद की क्रिया क्या है तो जो भगवान के समक्ष रहते हैं वो इस बारे में बता सकते हैं पापों का छह मात्र इतनी क्रिया करने से नहीं होगा हम दर्शन तो करें मगर दर्शन करते हुए सिर्फ तुम और तुम तुम और भगवान ये दो चीज़ हो ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को भी देखें इधर उधर भी देखें भगवान के सामने गए हो तो भगवान के पास जाकर के भगवान से आप भगवान को देखें कुछ लोग भगवान के पास जाकर के आंख बंद करके सीधे खड़े हो जाते हैं भगवान के पास जाकर के आंख नहीं बंद करनी है वो आप लोगों के संस्कार पड़ गए हैं वो आंख बंद क्यों करते फिर दो तरह की पूजा दी है द्रव्य और भाव पूजा जिस समय भगवान नहीं है उस समय भगवान के दृश्य को आंख बंद करके देखना है वो भाव दर्शन हो गए द्रव्य दर्शन जब मंदिर में जाकर के आप भगवान को देख रहे हो उस समय आपके दर्शन भगवान को देखना ही देखना माने दर्शन दर्शन के लो देखना के लो दर्शन को ट्रांसलेशन किया तो बन गया देखना देखने को अब दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करोगे तो बन जाएगा लुक इंग्लिश भाषा में आ गया अब हिंदी भाषा में इसको दर्शन का है भगवान को देखना किसी चीज को देखना दर्शन भगवान को देखो तो भगवान के दर्शन वहाँ पर जाकर के भगवान के आप सामने खड़े हो तो भगवान को देखो उनके मस्तिष्क को देखो उनके नेत्रों को देखो कितना ज्ञान है उनके पास कि दर्शन नेत्र देखो कि इतना कुछ होते हुए भी उनके नेत्र नासा दृष्टि पर है मुख में मुस्कान है मंद मंद मुस्कान के साथ सीधे बैठे हैं रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है और पद्मासन लगा के बैठे हैं अपने आप में मध्यस्थ हैं लोग कहते हैं भगवान ध्यान लगा रहे हैं ध्यान नहीं लगाते इसलिए कहीं भी आप देख लें न जिम में भगवान की आंख बंद नहीं मिलेगी आप भगवान की नासा दृष्टि दी है नासा दृष्टि पर वो नासा दृष्टि लगा करके बैठे हैं मध्यस्थ हैं ना अपने में है ना संसार में है बस अंतरंग शर, शरीर की ये स्थिति है और आत्मा आत्मा में लीन हो चुकी है ये हमें देखना है और भगवान से फिर अपने जो दोष हैं वो आपको ग्रह निंदा आलोचना जो दी है ये सब करना भगवान के सामने जाकर के ये आपको कहना है कि आपने अपने पाप जो किए हे भगवान हमसे ये गलती हो गई है आप ही हमारे आराध्य हैं आप ही हमारे गुरु हैं उस समय गुरु नहीं है तो क्या करें जब गुरु नहीं है तो भगवान के साक्षी में ही जा के अपनी आलोचना कर ली है और जब गुरु आए हैं उनसे अपना प्रायश्चित ले लिया इसलिए साधु परमेश भी जब आहार के लिए उठते हैं तो गुरु आप भगवान के पास जा कर के उनकी साक्षी में भोजन का त्याग करते हैं और आहार लेने के लिए जाते हैं तो भोजन प्रत्याख्यान का त्याग करते हैं फिर प्रत्याख्यान का प्रतिष्ठापन भी उसी समय करते हैं कि अब आहार का त्याग और अगर हम आहार लेने जा रहे हैं तो उसमें भी कहते हैं कि अब आहार लेने जा रहे हैं उसमें सिद्ध वंदना आचार्य वंदना जो दी है योगी भक्ति और लघुचेत भक्ति और सिद्ध भक्ति वो इसीलिए दिए कि गुरु की साक्षी में भगवान की साक्षी में उनके सामने अपनी सारी बात कह दी है इसी प्रकार आपको भी भगवान के सामने जाकर के अपनी आलोचना करना निंदा का करना ग्राह करना और उसके साथ साथ पूरी शक्ति के साथ भक्ति के साथ श्रद्धा समर्पण के साथ भगवान के दर्शन करना ऐसा नहीं कहीं और देखना इधर उधर देखना उधर आप दर्शन करो थोड़ी देर के लिए करो लेकिन पूरी भक्ति और शक्ति के साथ करो श्रद्धा समर्पण के साथ करो फल मिलेगा जरूर मिलेगा पापों का छय होगा लेकिन छय करने की भी क्रिया है एक राजा था और उस राजा के दरबार में व्यवस्था ये थी कि सभी राजा को राजा सभी को प्रेम देते थे वात्सल्य देते थे सभी सामंत राजा को बहुत चाहते थे और जब राजा का जन्मदिवस होता उस समय भगवान के समक्ष बैठ के राजा की लंबी आयु के लिए दीर्घ आयु के लिए मनोकामना करते राजा का जन्मदिन था सभी लोग बैठे हैं और राजा के जन्म दिवस पर भगवान के समक्ष बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं दीर्घ आयु की सभी सामंत ये क्रिया कर रहे हैं लेकिन एक सामंत ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी है दूसरे सामंत की महाराज यह व्यक्ति आप आपकी दीर्घायु की मनोकामना नहीं करता है। भगवान से इसने ऐसी प्रार्थना नहीं की क्यों इसकी भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है कैसे सिद्ध करोगे आप कहने लगा कि महाराज ये मंदिर में बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था मैंने इसको अपनी आँखों से देखा और जब ये भगवान को दे इधर उधर देख रहा था तो भगवान पे इसकी श्रद्धा ही नहीं है भक्ति नहीं थी तो भक्ति श्रद्धा नहीं है तो आपकी मनोकामना कैसे करेगा इस प्रकार मैंने ये सब आपको बता दिया राजा को क्रोध आया तो राजा ने उसको दरबार से निकाल दिया और महलों से भी निकाल दिया वह व्यक्ति रोने लगा क्या किया जाए मंत्री से जाके चर्चा भी करी मंत्री ने जब सारी बात सुनी तो वह राजा के पास जाकर के कहने लगा महाराज आपने उस व्यक्ति को सजा दी है एक बार उस पर विचार कर लिया जाए तो राजा कहने लगे क्या विचार करें वे इधर उधर देख रहा था भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है उसने नियम भी नहीं निभाया महाराज विचार तो करना ही चाहिए क्या विचार करें कि जिसने आपको शिकायत की है उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को देखा ये व्यक्ति तो इधर उधर देख रहा था लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा था तो राजा ने कहा बात तो सही है मान भाव हम दूसरे को दोषों को देखने के लिए मंदिर नहीं आते हमें अपने दोषों को देखना है भगवान के समक्ष अपने दोषों को कहना है लेकिन हम हम फिर वही संसार की क्रियाओं में ही रजपत जाते हैं उसी में फंस जाते हैं इधर उधर को देखना वो कौन सी साड़ी पहन के आई है वो महिला आई है या नहीं आई है आज वो इतने दिन बाद आई कल वो इतने दिन बाद आई थी आज वो नहीं आई कल वो नहीं आया वो क्या पहन के आया है और अब शादियों के समय में तो विशेष आज तो जाना ही है कल देख क्यों क्योंकि आज देखना है कि बिरजू की बेटी जो है वो क्या पहन के आई है और जिन दि, जिस दिन शादी हुई है उस दिन तो और जल्दी जाना है कि उन दोनों की छोरा छोरी आएंगे और उनको भी देखना है वो क्या पहन के आएंगे इसीलिए मंदिर नहीं जाना है ये अगर ये क्रिया के लिए इन सोचो विचार के साथ जा रहे हो तो फिर अभी मंदिर नहीं जा रहे अभी तो गृहस्थी की क्रिया लेकर के आप उस स्थान पे पहुंच गए कुछ लोगों की विचारधारा ये हो गई है कि जहां हम बैठते हैं वहीं बैठेंगे जिस स्थान पे बैठ के हम पूजा करते हैं उस पर दूसरे को नहीं बैठने देंगे जहां हम हो, खड़े हैं वहीं खड़े होकर पूजा करेंगे ये क्रियाएँ धर्मात्मा की नहीं है वहाँ तो भगवान की भक्ति अगर आप कर रहे हो पूरी श्रद्धा समर्पण पूरी भक्ति और शक्ति के साथ जब आप भगवान को समर्पण करेंगी तो महानु आपके पापों का छय होगा यहाँ आचार्य भगवंत यही लिख रहे हैं दर्शनीन जिने नाम साधु नाम वंदने ना तिष्टि चिरम पाप हम छिद्र हस्ते यथोत हम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधु की वंदना करने से आप साधु की वंदना कैसे करेंगे तो हमने सुना ही नहीं है आप लोग पढ़ते होंगे कि वंदो पांचो परम गुरु सुर गुरु बंद जास विघन हरण मंगल करो पूर्ण परम प्रकाश ये विनय पाठ पे आता है मंगल हरण के समय में पहली पंक्ति यही आती है अब आपने पढ़ तो लिया है वंदो पांचो परम गुरु वंदो माने वंदना तो उनकी वंदना कैसे करें जिस प्रकार भगवान की वंदना की है उसी प्रकार गुरु की भी पूजा की जाती है वंदना की जाती है इसलिए गुरु पूजा विशेष समय पर आप गुरु पूजा कर दें पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय में जब पंचकल्याणक पूरे होने को आते हैं उसमें अंतिम दिवस में गुरु पूजा भी दी है शादी के समय में भी गुरु पूजा दी है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं शॉर्टकट का सम जमाना है समय कम है काम करो या तो देवसाज गुरु की कर दो नहीं तो पंच परमेष्टि में तो सब आ गए और बहुत ज्यादा हो तो एक काम करो शिक्षित अतिशिकेत सबको मिलाना हो तो एक काम करो देवता में कर दो ओम बट स्वाहा देवसाह गुरु की वंदना जो दी है जिनेन्द्र भगवान की और गुरु की वंदना जिनेन्द्र भगवान के ही सम, गुरु की पूजा भी दी है भगवान का अभिषेक होता है गुरु के पात प्रच्छालन होते हैं गुरु पंच परमेश् में आते हैं इसलिए साधु परमेष्टी तक को पूजनीय माना है वंदनीय माना है वहाँ पर गुरु की पूजा करना गुरु की वंदना करना गुरु की सेवा करना उनकी साधना में सहभागी बनना कुछ लोग गुरु की सेवा करना नहीं जानते उनकी साधना में सहभागी बनना ही यही सेवा है यही भैयावती मात्र पैर दबाना ही भैयावती नहीं है भोजन कर रहे हो तो भोजन करा भूखे हो तो भोजन करा दिया हार चौका लगा लिया है आपने हो गई भैयावती सेवा हो गई साधना कर रहे हों कि साधना में सहभागी बनना कुछ लोग क्या करते हैं साधु जहाँ पर विश्राम कर रहे हैं ठीक है वहीं पर ही चार दो जने बैठे दो से चार चार से चालीस हो गए अपना चर्चा करने बैठ गए उस समय अगर वो साधना कर रहे हैं विश्राम कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय में विघ्न ना आए शांति चाहिए तो शांति बनाने का माहौल आपको बनाना होगा अगर कोई वाहन भी जा रहा है तो उसको भी आपने अगर कह दिया कि भैया धीरे से निकाल के ले जाओ हो गई भैया बत्ती गुरु की साधना में सहभागी बनना ये दूसरा दिया सच्चे मन से गुरु की पूजा करना गुरु की सेवा करना और कई लोग भैयावती करना भी नहीं जानते प्रवेश करने की गुरु के कक्ष में प्रवेश करने की सेवा करने की सब तरह के नियम है गुरु के कक्ष में कैसे प्रवेश करना चाहिए पहले तो पद्धति यही थी भगवान के मंदिर में जाने से पहले दोनों पैर धोना दोनों इतने हाथ और इतने ही पैर धोना मुंह धोना और अपने जो आपके पास जिसको आप रुमाल कहते हैं वैसे तो उसका सही नाम तो करवस्त्र है आज के समय तो ना तो रुमाल ना करवस्त्र अब तो हैंकी कह देते हैं और नहीं तो हैंक हो गया अब तो शॉर्टकट का जमाना आ गया पिताजी से पापा और पापा से अब तो पू हो गया माँ से मुँह हो गया हैंकी से हैंक हो गया और वो जो वस्त्र था उसके माध्यम से अपने पैर हाथ पोज करके मुंह पूछ के मंदिर में जाते यही व्यवस्था साधु के इस कक्ष में प्रवेश करने की पंच परमेष्टि है अर्यंत सिद्ध आचार्य अर्यंत और सिद्ध उनके बाद में तीन साधु परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय और साधु इन तीनों को साधु माना है उन साधु परमेष्ठी के कक्ष में प्रवेश करने से पहले दिया है हाथ पैर धोकर के जैसे भगवान के कक्ष में जा रहे थे वहां पर ऐसे ही यहाँ पर कक्ष में जाना है उसको मंदिर कह दिया है ये साधु का आयतन बता दिया है अब वहां पर जाने के लिए पैर धोना हाथ धोना मुंह धोना और वहां पर जाकर के गुरु के समक्ष जिस समय सामग्री चढ़ाई जाती है उस समय चढ़ाना कुछ लोग सुबह चढ़ा दी दोपहर भी चढ़ा दी शाम को भी चढ़ा दी अब सामग्री चढ़ा दी आपने आधी नीचे चढ़ाई आधी ऊपर चढ़ाई पाटे के नीचे जाकर के चावल के दाने फंस गए चारों तरफ हो गई अब चिल्ला रहे हैं। है चीटी, है चीटी, है था था क्या करें? फैला गए अब आप तो कर आपका उपसर्ग आप तो कर गए उनका परिचय उनको सहना है अब। जिस समय में सामग्री चढ़ानी है उस समय सामग्री चढ़ा उस समय में भी ध्यान रखे कौन सी सामग्री चढ़ा रहे हो गुरु के समक्ष में सामग्री भी ऐसी चढ़ानी है जिस समय कुछ लोग क्या घी का दीपक जला गए दीपक बुझ गया घिरे गया अब चारों तरफ चीटियाँ आ गई मक्खियाँ आ गई ध्यान रखना है जिससे उनके ऊपर उपसर्ग ना हो सके कुछ लोग क्या करते हैं पाटे पर सामग्री चढ़ा दी तो उसमें चारों तरफ किनारी होती है बिल्डिंग जिसको कहते हैं और उसमें चावल के दाने फंस गए हैं साधु अगर बैठे हैं तो अब चीटियाँ खा रही हैं ये ध्यान रखना होगा कुछ लोग तो जुराब पहन करके मोजा पहन करके आ गए मुंह में गुटका रख करके मंदिर में साधु के पास प्रवेश करके बड़ी शुद्धता के साथ जिनेन्द्र भगवान के और साधु की अगर वंदना करने हैं दर्शन करने हैं तो पूरी शक्ति के साथ भक्ति के साथ श्रद्धा समर्पण के साथ और शुद्धता के साथ क्या हमारा मन उतना पवित्र है जितना हमें चाहिए हम पापों को नष्ट करना चाहते हैं गृहस्थी में लगे हुए सब पापों को नष्ट करना चाहते हैं लेकिन गृहस्थी में लगे हुए पापों को नष्ट करने के लिए जितना आपको पाप जितना बड़ा पाप नष्ट करना है उतनी बड़ी शुद्धि उतनी बड़ी भक्ति श्रद्धा समर्पण भी चाहिए लेकिन हम चाहते तो यह है कि पाप सारे नष्ट हो जाए लेकिन भक्ति हमारी उतनी है या नहीं है मानो भाव गृहस्थ जीवन में लगे पापों को नष्ट करने के लिए जीनेन्द्र भगवान के दर्शन और साधु की वंदना गुरु की जो वंदना है कुछ लोग तीर्थ क्षेत्रों पे यात्रा करने जाते हैं कुछ लोग मंदिर में ही दर्शन करने चले जाते हैं तो वहाँ पर दिया है यात्रा का मतलब है देव शास्त्र गुरु आचार्य उपाध्याय साधु ही साधु परमिष्टि की तीन कैटेगरी दी हैं उनमें आप जहाँ भी दर्शन करने जा रहे हो वहाँ पर अगर वहाँ पर अगर साधु हैं तो उन साधुओं के आपको दर्शन करने हैं तब जा कर के आपकी यात्रा मानी जाएगी मात्र मंदिर मंदिर जाना उससे यात्रा नहीं होगी समय शिखर जा रहे हो तो वहाँ पर ऊपर पहाड़ पे जितने भी भगवान के चरण हैं उन चरणों की वंदना करना नीचे जितने मंदिर हैं उनके दर्शन करना और उसके साथ साथ जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु हैं उन सब की भी वंदना करना तब जाके यात्रा मानी जाएगी नहीं तो ऐसा नहीं है कुछ लोग तो सुबह नीचे से गाड़ी पे बैठे वहाँ पर जाकर के सीधा पारसनाथ टॉप पर उतर गए भूख लगी खा लिया और खा करके गुर्रा करके नीचे आ गए तो भैया वो तो आपने गंदगी फैला दी है धर्म का नुकसान और कर दिया है जिन लोगों को वहाँ पर व्यापार नहीं देना तो उनको आपने व्यापार दे दिया आतताई लोगों को आपने वहाँ पर स्थान दे दिया और उसके साथ साथ आपने यात्रा भी नहीं करी है यात्रा का मतलब है सही मायने में यात्रा तो ये है जहाँ से आप निकले हो स्थान छोड़ा है वहाँ पर चारों प्रकार सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके आपको यात्रा शुरू करनी है उसमें भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना गुरु की वंदना करना गुरु से आशीर्वाद लेकर के बिना गुरु के आशीर्वाद लिए यात्रा शुरू नहीं होती गुरु की आशीर्वाद गुरु से आशीर्वाद लेकर के भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेके परिग्रह का त्याग करके घर का जो परिग्रह है बच्चे संतान जो भी आपकी आय परिग्रह जो हैं जितने भी प्रकार के कछाए हैं उन सबको वहीं त्याग करके आप लोग अब निकले हैं तो घर से लेकर के जहाँ आपने सिद्ध क्षेत्र चुना है वहाँ तक जितने भी मंदिर जितने साधु परमेष्ठी अरिहंत भगवान के मंदिर साधु परमेष्टियों का स्थान वहाँ पर जहाँ भी पड़ रहा है वहाँ तक आपने जितने स्थान पड़ रहे हैं सबके दर्शन करते हुए अंतिम पड़ाव जो आपका जो लक्ष्य है चाहे शिखर सोनागिर मांगी तुंगी गिरनार तारंगा पावागढ़ या मध्य प्रदेश के बिहार के जहाँ के भी सिद्ध क्षेत्र आपने चुने हैं उस लक्ष्य तक जितने भी क्षेत्र में दर्शन करने मिले हैं उन सब के दर्शन करते हुए क्षेत्र पे जब यात्रा करने जा रहे हो तो उस सिद्ध क्षेत्र पे पहुँच के उपवा चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भगवान के दर्शन करने हैं और उसके बाद नीचे उतर के फिर आपको अपना भोजन पानी करना होगा लेकिन कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ करके ही सीधा घर में घर से बैठे अब तो पहले तो ट्रेन चलती थी अब तो ट्रेन भी गई सीधा प्लेन में बैठो वहाँ उतरो गाड़ी पकड़ो टॉक पे गए नीचे उतरे इससे गलत है वहाँ पर आपने दर्शन नहीं करे हैं दिनेद्र भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ और गुरु की पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करना दर्शन करना तब जाकर आप के आपके पापों का क्षय होगा गृहस्थी के पाप बहुत बड़े हैं जितने बड़े पाप हैं उतना ही आपको भक्ति समर्पण श्रद्धा त्याग इन सब के साथ भगवान की पूजा करनी होगी गुरु की वंदना करनी होगी तब जाके आपके पाप छे हो सकते हैं मानुभाव, भाव आप सभी लोग अपने जीवन में पूरी श्रद्धा भक्ति और सच्ची श्रद्धा के साथ गुरु की भक्ति करें भगवान के दर्शन और गुरु की वंदना के साथ अपने पापों को नष्ट करें इन्हीं के साथ इन्हीं से आपका कल्याण होगा और आपका मंगल हो शुभ हो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की श्रीमती कमला देवी धनपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री श्री विनित कुमार प्रतिमा अमित कुमार अमिता धीरज कुमार कामिनी अभिनव मनीषी तनिष्का वर्धिनी सिद्धार्थ चैतन्य नितान्त जैन शाहबजाज पुत्री दामाद हर्षा आशीष कुमार लावण्या भविक एवं समस्त शाहबजाज परिवार अजमेर